जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के 4 अप्रैल 2021 के दैनिक राशिफल के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में शुभ अंक और शुभ रंग ये दोनों बताए गए हैं। शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना, जन्म कुंडली हस्तरेखा से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए या कॉल भी कर सकते हैं। कॉल नहीं लगता है, नहीं रिसीव होता है तो आप मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान की इंसानियत उसी समय ख़त्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। आइए मित्रों जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। दिनांक 4 अप्रैल 2021 है। तिथि अष्टमी है जो अगले दिन के भोर के 3:01 तक रहेगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है जो अगले दिन के रात्रि के 2:06 तक रहेगी। कृष्ण पक्ष चल रहा है, रविवार का दिन रहेगा। सूर्योदय 6:08 पे होगा, सूर्यास्त 6:40 पे। चंद्र राशि धनु रहेगी। ऋतु वसंत चल रही है। दिनकाल 12:32:02 का होने वाला है। मास समांत फाल्गुन है, मास पूर्णिमांत चैत्र है। जानते हैं आज के शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:59 से शुरू होगा और दोपहर के 12:49 पे समाप्त हो जाएगा। अशुभ समय यानी कि दुष्ट मुहूर्त संध्या के 5:00 से शुरू होकर संध्या के 5:50 पे समाप्त होगा। राहु काल सुबह के 5:06 से संध्या के 5:06 से शुरू होगा और संध्या के 6:40 पे समाप्त हो जाएगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर रहने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का पंचांग। जानते हैं आपके दिन के बारे में संक्षिप्त में, फिर जानेंगे पूरे विस्तार से। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आर्थिक जीवन सामान्य रहेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है, प्रेम संबंध सामान्य से अच्छा है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन सामान्य से अच्छा रहने वाला है मित्रों आपका। आइए जान लेते हैं आपके दिन के बारे में पूरे विस्तार से। दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। चलते फिरते समय खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस राशि के कारोबारियों को आज अपने घर के उन सदस्यों से दूर रहना चाहिए जो आपसे पैसे मांगते तो हैं परंतु लौटाते नहीं हैं। आपके जीवन साथी की लापरवाही संबंधों में दूरी बढ़ा सकती है। साथ में अपना कीमती समय बिताएं और मीठी यादों को फिर से ताज़ा करें ताकि पुराने दिनों को फिर से वापस लाया जा सके। प्रेम के नज़रिए से आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज इस राशि के कुछ छात्र लैपटॉप या टीवी पर कोई मूवी देखकर अपना कीमती समय जाया कर सकते हैं। आज आपको रंग ज़्यादा चटक नज़र आएगा क्योंकि फिजाओं में प्यार का खुमार चढ़ा है। समय को व्यर्थ मत गंवाइए, बजाय आज किसी विशेष भाषा को सीखने में आपको कार्य दूसरे यानी कि कोई नई भाषा आज आपको सीखने की तैयारी करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा है। तो दोस्तों ये था आज का आपका राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। ये दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।